देश में इन दिनों बुलडोजर की धूम है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और दिल्ली तक बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर दिल्ली में बुलडोजर चला तो जमकर बवाल मच गया। अब राजस्थान के अलवर में भी बुलडोजर चलने से बवाल खड़ा हो गया है, जहां अतिक्रमण हटाते हुए प्रशासन ने 300 साल पुराने मंदिर को भी तोड़ दिया, जिस पर अब जमकर बवाल हो रहा है। भाजपा ने इस मुद्दे को लपकते हुए सूबे की अशोक गहलोत सरकार को निशाने पर ले लिया। इसी बीच कांग्रेस विधायक का वीडियो सामने आया है, जहां जौहरीलाल मीणा ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड होता तो बुलडोजर नहीं चलता, अब बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहां से आएगा। आप भी सुनिए ये वायरल वीडियो। आज जो ये वातावरण किया है, जो आपको कर्मों का फल है, वो जो बीज बबूल का तो आम घास है, कहा है? आपने बबूल बोल दिया तो आम की टहनी लेना चाहते हो तो आम घास मिलेगा, तो फिर मैं तो बबूल में तो जो कांटे पैदा होंगे। मैंने आज से 4 रोज पहले आप पधारे थे मेरे घर में, मेरा घर नहीं, वो आपका निवास है, आपका घर है, आपकी झोपड़ी है। मैंने आपसे यही बात निवेदन की थी कि आपने 2-6 महीने पहले मेरी बात नहीं मानी। इसके बावजूद मैं अब भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपके 34 पार्षद है और यही पार्षद मेरा है और 6 मेरा नॉमिनेट पार्षद है। मैंने उस रोज भी कहा था कि तुम 34 पार्षद को ले आओ, फैसला 34 पार्षद ने किया, लेकिन मेरा ही पार्षद मेरा आप लोगों से निवेदन है। अब मैं डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए रैनी और घाटघर, रैनी और घड़ी और पिनान जा रहा हूँ। आपको आज हमारा प्रशासन को मैं निर्देशित कर दिया है कि वो नहीं करेगा। आप सुनो, आप मेरी बात सुनिए, आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, आप 34 पार्षदों को लेकर के और न्याय इकट्ठा कर लेना, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, फैसला करूंगा।